रीवा के दामाद मोहन यादव को मिली प्रदेश की कमान, बनाए गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, परिवार में हर्ष का माहौल। रीवा के संजय नगर में है ससुराल, अपने जीजा के मुख्यमंत्री बनने पर साले सदानंद यादव के घर में जश्न। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से आ रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मुखिया के रूप में मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। मोहन यादव का ससुराल रीवा में है, जहां जश्न का माहौल देखा जा रहा है। रीवा के संजय नगर में स्थित मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुराल में उनके साले सदानंद यादव को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साले सदानंद यादव ने कहा कि जब उन्होंने सुना कि उनके जीजा मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की कद्र की जाती है और आज जिस तरह से उनके बहनोई मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंपी गई है, उससे उन्हें और उनके परिवार के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जीजा जी आपके मुख्यमंत्री बन गए प्रदेश के। जी हाँ, कैसा देखते हैं, कितनी खुशी है? बहुत अपार खुशी है, उसकी कोई ठिकाना नहीं है। मान लीजिए जी जी, जी हाँ। अभी सोचा था कि मुखिया होंगे प्रदेश के? हाँ नहीं, हम लोगों को तो अपेक्षा थी कि जो है मतलब वो एक न एक दिन जो है मतलब वो प्रदेश का जो है नेतृत्व तो संभालेंगे, और वो घड़ी अब आ गई है, बहुत खुशी है। बातचीत हुई थी बीच में क्या? अभी तो मतलब दीपावली में जो है बात हुई थी, उसके पहले तो क्या बातें हो रही थी, कुछ बताइए। बस ऐसे सामान्य जो है मतलब घर की चर्चाएं जी। अभी हाल ही में आए भी थे यहाँ? हाँ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ जो है दीक्षांत समारोह था यूनिवर्सिटी में, उस कार्यक्रम में आए हुए थे। यहाँ घर में भी आए थे जी। जी तो मिजाज कैसा है वो? एकदम बहुत शांत, बहुत शांत स्वभाव के मिजाज जो है मतलब उनका अच्छा। हाँ, रीवा का विकास जो है मतलब जितना अधिक से अधिक हो सकेगा वो करने का प्रयास करेंगे जी। दो लोग, हाँ दो लोग अपने राजेंद्र शुक्ला जी हैं और मोहन जी जो है मिलकर के विकास करने का प्रयास करेंगे अधिक से अधिक। हमारा नाम सदानंद यादव। माहौल है हमारे समान मोहल्ले में, आदरणीय यादव जी के घर में बहुत बड़ा जश्न का माहौल है, सभी मीडिया कर्मी सभी। वहीं प्राची यादव ने अपने फूफा मुख्यमंत्री मोहन यादव को इतना बड़ा दायित्व मिलने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी व उनके केंद्रीय नेतृत्व की सराहना की और कहा कि आने वाले समय में रीवा और विंध्य का चौमुखी विकास होगा, क्योंकि आज रीवा को दो दो सौगात मिली है। एक ओर उनके फूफा को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो दूसरी ओर रीवा के विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री के सिंहासन से नवाजा गया है। पहले से विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी जो डिप्टी सीएम है और उनके साथ एक सीएम रीवा है, उनका कैसे स्वागत होगा? स्वागत तो अच्छे उसमें होना चाहिए और वो भी अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे यहाँ के लिए, रीवा के लिए विकास में, और देश के लिए भी काफी अच्छा करेंगे हमारे एमपी के लिए। आपको जब ये पता चला कि आपके फूफा जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में आ चुकी है, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा लगा है। अभी दीक्षांत सभा में आए थे ना, अभी पिछले सितंबर के उसमें आए थे सर, कब आए थे? ऐसे पिछले सत्र में आए थे दीक्षांत समारोह में, एपीएस यूनिवर्सिटी में आए थे यहाँ पे। रीवा के दामाद जी, जी नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्राची यादव। का सिर मोहन और अब रीवा के दामाद मोहन प्रदेश के मुखिया बन गए। बिंद का जैसा नाम, मोहन के नाम से बिंद का नाम जाना जाता था, वैसे मोहन यादव जी के नाम से बिंद का मान बढ़ा है और वो आज हमारे मोहल्ले के, हमारे रीवा के दामाद हो गए हैं। हम लोग गौरवान्वित हैं कि हमारे मोहल्ले के दामाद आज प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश शीर्ष नेतृत्व ने मुखिया बनाया है, और उसके साथ में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को डिप्टी सीएम बना के हमारे बिंद का मान बहुत ऊँचा कर दिया है, और इन दोनों के साथ मिलकर हमारे बिंद का विकास बड़ी तेजी से होगा और गति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से 165 सीटों का बहुमत मिला था, लेकिन ये मोदी है मुमकिन है और अमित शाह की रणनीति ने किसी को भनक तक लगने नहीं दिया कि आखिर उनका चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक संघ का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री शीर्ष नेतृत्व पर बैठ सकता है।
लोगों में कैसी चर्चा है, लोग कह रहे हैं? बहुत चर्चा है लोगों में, बड़ा खुशी है लोगों में। जिस तरह से लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का चेहरा देना था और कई लोगों के नाम चल रहे थे, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी ने एक नया चेहरा दे के आज भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 20 सालों के लिए एक नेता दे दिया है, और जो प्रदेश का मान बढ़ाएंगे और देश में नाम रोशन करेंगे और विकास को एक नई गति मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ससुराल हमारे कुरियान मोहल्ले में संजय नगर में है, और हमारे बगल में भाई साहब उनके साले साहब सदानंद जी हैं। हम लोग साथ में शिवाजी शाखा में स्वयं सेवा के जाते थे सुबह, और आज बड़ी खुशी की बात है कि भाई साहब का ससुराल हमारे मोहल्ले में है। अभी हाल ही में आए थे चुनाव में भी प्रचार प्रसार करने जी जी, अभी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह हुआ तब भी आए थे, और भाई साहब सदानंद जी से उनसे बातचीत होती रहती, मुलाकात भी हुई है। बड़े सरल और सहज स्वभाव के हैं, हमने उनकी फोटो देखा, उनके घर में लगी हुई है और एल्बम वगैरह देखा है, तो बड़े सरल और सहज हैं। अब उम्मीद तो जब से भाई साहब इस क्षेत्र में हैं तब से हम लोगों की उम्मीद थी कि एक न एक दिन भाई साहब को शीर्ष नेतृत्व मिलेगा, और वो मोदी हैं तो मुमकिन है कि तहत सफल होगा। और अब चूंकि रीवा में उनकी जनकपुरी है, तो जनकपुरी से तो लगाव सबका होता है, तो विकास की गंगा यहाँ थोड़ा ज़्यादा तेज उनकी रहेगी। और हम लोग बस लगाव था अपने कर्म क्षेत्र से, वैसे भी इधर भी देखते हैं जी, जैसे भगवान का लगाव था अपने ससुराल पक्ष में। जी जी जी, बस बस बस, जी 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 जी, तो वो तो लगाव स्वाभाविक है और लगाव है भी उनका, तो जब आएंगे और नहीं भी आएंगे तो लगाव होगा, तो विकास की गंगा वहां से अपना इधर की मोड़ते रहेंगे रीवा की तरफ, और डिप्टी सीएम तो है ही है, तो जब आएंगे तो अपना भी स्नेह और ममत तो उनके साथ में यहां पर हम लोगों को मिलेगा। बहाना दो रहेगा, बहाना, हाँ एक, हाँ जी जी जी, एक तीर से दो निशाने रहेंगे और ज्यादा घाव करेंगे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।